अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्विक फूड प्लानट। आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब, रमज़ान स्पेशल शामी कबाब। ये आप ईद पे भी बना सकते हैं, किसी दावत पे भी बना सकते हैं, और ये आप वैसे भी बना सकते हैं जब आपको कभी कुछ समझ ना आए कि आपने क्या बनाना है। तो ये चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इन शामी कबाब को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पे 3 कप चने की दाल। इसको मैंने 2 से 3 घंटे भिगो लेना, आपने जितने घंटे आप भिगो सकते हैं उतने अच्छे ये आसानी से मैश हो जाएगी जो चने की दाल है। ठीक है, मैंने इसको कम से कम 2 घंटे भिगोया है, आप भी इसको 2 घंटे भिगो लीजिएगा ताकि ये आसानी से आपकी मैश हो जाए। 3 चिकन ब्रेस्ट हैं ये, 1 हरे धनिए की गट्ठी है, साथ इसमें जाएगा अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तीनों मैंने इकट्ठे पीस लिए हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जाएगा नमक, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर, साबित जीरा, सूखा धनिया, दालचीनी और बड़ी इलायची। चलें जी, साथ इसमें ऐड करेंगे हम पानी। साथ इसमें जाएंगे 6 आलू और इसको मैंने बॉईल कर लिया। सबसे पहले आपने इसमें चिकन ऐड कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप छोटा छोटा करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ऐड कर लिया, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। साथ इसमें मसाले ऐड कर देंगे हम, सूखा धनिया, जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, साथ इसमें जाएगा अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। साथ इसमें मैं दाल ऐड कर दूंगी। कितना प्यारा कलर होता है वैसे इसका। अच्छा जी, साथ इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। इसमें ये सब कुछ डाल के आपने इसको प्रेशर दे देना। आधा घंटा हो गया इसको प्रेशर को बोलते हुए, मैंने इसको बंद कर लिया है और अब मैंने इसको खोल लिया है। ये देखें, हम चिकन हमारा डन हो चुका है। अब मैं इसको मैश करने से पहले ये जो साबित मसाले मैंने डाले थे ये सारे मैं बाहर निकाल लूँगी। ये देखें, मसाले सारे मैंने साबित निकाल दिए। एक दो दालचीनी मेरी बीच में गुम हुई हुई है तो वो मुझे मैश करते करते नज़र आएंगी, तो वो भी मैं निकाल लूँगी। बाकी दाल भी मेरी बहुत अच्छी गल चुकी है और चिकन भी मेरा बिल्कुल गल चुका है। बस अब इसमें थोड़ा सा पानी है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगी कि आँच चला के इसमें तो इसको ऊपर से मैश कर लूँगी। मेरा चिकन और दाल भी मैश हो जाएगी और मेरा पानी भी खुश्क हो जाएगा। चलें जी, इसको मैश करते हैं। अब ये देखिए, मैश करते हुए मेरी एक घुमी हुई दालचीनी मुझे मिल गई है। इसको मैं अभी निकाल लूँगी। इसको अच्छी तरह आपने मैश कर लेना और इसका पानी जो है वो आपने खुश्क कर लेना। ये देखें, चिकन भी जो है वो मेरा अच्छी तरह उसका रेशा रेशा हो गया है, बिल्कुल वो श्रेड हो गया है। बस अब आपने दाल को अच्छी तरह मैश करना है। जब तक मेरा ये दाल का पानी खुश्क हो रहा है कबाबों का, तब तक मैं 1 टेबल स्पून मैंने ये ब्लैक पेपर लिए साबित, इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी एक पैन में। देखें, और फिर मैं इसको कूट के इसको कबाबों में ऐड कर दूँगी एंड पे। ये हल्की सी मेरी रोस्ट हो चुकी हैं, अब मैं इनको कूट लूँगी मोटा मोटा। ये रोस्ट की हुई काली मिर्चों को अब मैं पीस लूँगी। इस तरह आप पीस के डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बिस्मिल्लाह। ये मेरा बिल्कुल पानी यहाँ पे खुश्क हो गया, ये देखें। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। ये
ये कुटी हुई काली मिर्च अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बैटर मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है, अब इसमें साथ ही मैं आलू भी मैश कर लूंगी। ये आलू भी अच्छी तरह इसमें सारे मैश कर लेंगे। इसको मैंने मैश कर लिया है, अब मैं इसमें साथ ही हरा धनिया ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। ये बैटर मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अगर आप इसको हाथ से मैश करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। वैसे आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मैश करने का टेस्ट डिफरेंट होता है। मैंने इसको हाथ से ही मैश किया है। मैं प्रेफर भी यही कहूँगी कि आप इसको हाथ से मैश करें, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है आपको। ब्लेंड करना ज़रा आसान होता है, हाथ से मैश करने में ज़रा टाइम लगता है, लेकिन हाथ से मैश किए हुए का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये देखें ये कितने मज़े के लग रहे हैं। अब ये शामी कबाब बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बस अभी इनको आपने शेप देना है और फ्राई करना है और आपके शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। कबाब यहाँ पे मैंने सारे बना के रख लिए हैं, अभी और भी हैं। ये अभी दो बॉक्स मेरे बने थे बैटर के, एक बॉक्स के कबाब मैंने बना के रख लिए हैं। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तीन एग्स लिए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च ऐड करूँगी और इसको बीट कर लूँगी। इसमें ऐड करने लगी मैं नमक, काली मिर्च, और सफेद मिर्च। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये सब कुछ मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, साथ इसमें जाएगा ऑयल फ्राई करने के लिए। ये देखें ये कबाब मेरे फ्राई हो रहे हैं यहाँ पर, और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये बहुत ही डिलीशियस बने हैं। ये और फ्राई मैंने कर लिए हैं कबाब, मैं आपको डिश आउट भी करके दिखा। ये देखें जी कबाब मैंने डिश आउट कर लिए हैं, ये कितने मज़े के लग रहे हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। ये आपकी इफ्तारी में, आपके टी टाइम में, आपकी ईद पार्टी में, आपके डिनर में, आपके हर चीज़ में बहुत अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं, लंच टाइम में। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह।